को पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों 24 घंटे में केवल एक बार मेरे इष्ट देव जी आपको ये स्वर्ण अवसर देते हैं। ये कैसा अवसर है अपनी बिगड़ी बनाने का, ये कैसा स्वर्ण अवसर है बेटे अपनी कमजोरियों को निकालकर भगवान के योग्य होने का, ये कैसा अवसर है अपने कल्याण का, ये कैसा अवसर है नाना प्रकार के दुखों की जड़ें काट देने का, ये कैसा अवसर है आवागमन से मुक्त हो जाने का। इतना अच्छा अवसर कोई नहीं देता घोर कलयुग के अंदर, काम के क्रोध के मोह के लोभ के अहंकार के निंदा के मत्सर के राग के द्वेष के लड़ाई के झगड़े के लेने के देने के फसाद के ये बड़े मौके मिलते हैं। एवरीवेयर यू सी एंड यू परसीव ऐसे मौके, ये तो कोई आपका पुण्य जाग उठा है जिसके प्रताप से मेरे प्रभु बड़े खुश हैं और उन्होंने आपको ये गिफ्ट दिया है। ये कलयुग का गिफ्ट नहीं दे, ये सतयुग का गिफ्ट है। कलयुग में सतयुग जी सरकार, जब मन खा मखा भगवान की ओर झुके, खा मखा पुण्य करने की ओर झुके, खा मखा मन महाराज जी का जाप करने की ओर झुके, खा मखा अपनी कमजोरियां देखकर बाहर निकालने का जी झुके, हो मुझे परमात्मा की कसम होए, तो फिर ये सतयुग का मौका है। ये कलयुग नहीं, कलयुग में तो तीन प्रधान होते हैं एवरीवेयर, कंचन कामनी कीर्ति। ये आम शब्द समाज में चलते हैं जर जन और जमीन, लेकिन अनुभवी महापुरुषों का फसाद की जड़ तीन, फसाद की जड़ तीन जर जन जमीन, वो फसाद की जड़ है। कल्याण की जड़ तीन विवेक वैराग्य और भक्ति, ना भूलना दोनों विपरीत है, एक पूर्णिमा है और एक अमावस्या है। हार्दिक मेरी बधाई और भगवान मेरी हार्दिक प्रार्थना स्वीकार करें, जो मैं प्रभु जी की वाणी आपको सुनाता है वो आपकी अपनी बन जाए। जैसे मुझे शौक है कि गीता जी में ना रह जाए लालक मुझे, गीता में भगवान ने हमारे लिए कहा है तो हम जरूर ले लेंगे। कभी कभी माना और हमें भी बता, आपसे मुझे क्या शर्म, कभी कोई मीठी चीज बनाती तो हमें एक कटोरी देती जल्दी खत्म हो जाती या हम जल्दी खा लेते, तो माँ को कहते माँ तू एक कटोरी, तेरी और बहन भाई नहीं है और वो नहीं खानी, तो फिर मेरे पास क्या दलील होती है, और मेरे तो बहन भाई तो है हाँ, लेकिन इतना जबड़ा पतीला बनाए जितनी तू मोटी है, इतने पतीला मोटा तो हमारे लिए नहीं बनाया, अच्छा और ले 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 ले। तो यूं कह करके माँ से हम ले लेती थी हाँ। इसी तरह ये इतना शानदार मौका, ये अपनी जैसे माओ कहते माँ ये हमारे लिए तो बनी मीठी चीज हाँ, तो ये जो भगवान जी ने कहा आप जैसे कल्याण कामी जीवों के लिए भगवान ने कहा, कहते वो पतीली में को पड़ी रहे, हला बनाया माने मीठे चावल बनाया है तो पतीली में को हमारे पेट में क्यों ना जाए। इसी तरह शौक पैदा करो, शौक पैदा कर मेरी बेटी कि गीता जी में क्यों रह जाए, मेरे अंतःकरण में क्यों ना आ जाए। वाई नॉट इन माई अंतःकरण, वाई इन गीता जी, गीता जी में तो है हमारे लिए, माँ ने बनाई है मिट्टी चीज हमारे लिए, अपने बेटों और बेटियों के लिए। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है हमारे लिए, ऐसे ट्रांसलेट करो ना अपने आप में, ऐसा सोचो मेरी बेटी गीता हमारे लिए है, हमारे जो कल्याणकामी है युग युग में जो भी कल्याणकामी जीव होंगे गीता माँ बन के उनके सामने खड़ी हो जाएगी। आप लाभ उठाइए, ये मन में रखो, मैं आगे बढ़ूं, गीता हमारे लिए है, गीता पन्नों में नहीं रहेगी, वर्कों में नहीं रहेगी, श्लोकों में नहीं रहेगी, स्याही में नहीं रहेगी, गीता पृष्ठों में नहीं रहेगी, 10 11 12 14 15 नॉट इन पृष्ठ नॉट इन पेजेस,
बट इन अवर माइंड, इन अवर इंटेलेक्ट, इन अवर डेली यूज। हाय रब्बा, हाय रब्बा, गीता आपके लिए है, रुपया आपके पर्स में रह जाएगा। अरे रुपया तेरे पर्स में रह नहीं, इसे खर्च करो, गर्ज करो तो और क्या, रोती क्यों है, गर्ज करो तो फिर क्या होगा, खर्च हो जाएंगे। नहीं, मैं पाठ पढ़ाता हूं, मेरे गुरु ने मुझे पाठ पढ़ाएगा, खर्च करो, जामी जरूरत तो खर्च करना होती तो है, जरूरत खर्च नहीं करते क्यों, पर्स में रुपया किस लिए, आपकी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए, या किसी मौके पर आपको जरूरत पड़ती है तो खर्च करो, निकालो, चेन को ढीला करो। बाबा नहीं, मैं मंत्र पढ़ाता हूं आपको, खर्च करने का मंत्र है। हाँ मैं आपको मंत्र पढ़ाता हूं, भले ही आप थैंक यू ना करना, कौन सा मंत्र है खर्च करते बार, ध्यान से सुनो, धीरे धीरे बोलता हूं, ऊंचा नहीं बोलूंगा, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, स्पेंड एंड गॉड विल, ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह, बोलो जरा स्पेंड, बोल बेटी, बोलो पुत्र, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, ओए वाह, बड़ा शादर मंत्र है, खर्चो, और मालिक ने गीता में वचन दे रखा है, करो हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, ये महाराज जी ने वचन दे रखा है, ऐरा गैरा नहीं दिया। अगर यदि हम अपने मन वचन कर्म से भगवान के प्यारे हैं, यदि हम पखंडी नहीं, यदि हम सच्ची और पक्के भगत है, स्पेल्ड एंड गॉड विल सेंड, आपके रोम रोम की कसम, हम सारा अपना भवन आपकी सेवा के लिए इसी आधार पर चला रहे हैं, हजारों रुपया उड़ता है यहां पर आपकी सेवा में, और यही भाव हमने पक्का कर रखा, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। जब हम कर्म के नाम पे रहेंगे, ही इज रिस्पॉन्सिबल, और हमारी जो डिवाइन मदर है लक्ष्मी, वो रिस्पॉन्सिबल है, हमें तो कोई कमी नहीं आती यहां पर, कोई कमी नहीं आई। तो आप भी यही भाव रखो, अगर आप देती बार यहां नहीं थकता तो आपको क्यों थकेगा, आपको भी देगा, डरा ना करो, मैं नहीं खर्च करती तो खर्च हो जाएगी तो रब और देगा, किस चीज की कमी है, कहा करो रब को, किस चीज की कमी है, दाता तेरी गली में मिलती है सब पदार्थ, भगवान तेरी गली। इसी तरह गीता हमारे अपनाने के लिए है, गीता सिर्फ पाठ करने के लिए, मैं बड़ा चिढ़ता हूं जब आप अखंड पाठ करते हैं 12वें अध्याय का, गलत, अखंड पाठ किसी वाणी का नहीं होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े करके पढ़े और उसको अपना ले, जैसे चार फुलके इकट्ठे में एक थोड़ा खाऊंगा, ग्रास ग्रास करके खाऊंगा, मार्शल ऑफ ब्रेड, मार्शल ऑफ ब्रेड, इकट्ठे फुलके थोड़े, एक एक ग्रास तोड़ेंगे और खाएंगे। इसलिए गीता जी की छोटी बात समझिए और अपनाने की चेष्टा कर लो। मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मुझे बड़ा लाभ हो रहा है, इसी तरह वाणी का लाभ है, और जिस तरह ये मूर्ख जहान कर रहा है बिल्कुल गलत, जे मेरे टुकड़े कर छोड़ो शरीर के, अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो, ये जो अखंड पाठ चलती है कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, सिर्फ पाठियों के घर चल जाएगा, उनके उनके रोटी बन जाएगी पाठियों की, चाहे मंदिर के पुजारी हैं चाहे गुरुद्वारे के पाठी हैं, लाभ तब है जब थोड़ा थोड़ा करके समझ के उसे अपना लिया जाए, जीवन में उतारा जाए, तब लाभ होता है। जैसे ये जहान का वतीरा चल पड़ा गलत, नॉट सॉलिड गेनिंग, सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। सियाने बने पुत्र, मैं आपको सियाने बनाना आया हूं, मैं आपको बहुत सियाना बनाया बच्चे, ये जो रूढ़ी बात चल रही है, रूढ़ी बात को छोड़ दो, बड़े नो यूज एट ऑल, धर्म तो हमें हमारे में, भगवान जी की वाणी जो चोटी का धर्म है, ये तो हमारे में क्या लाता है, ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग, जैसे आप साइकिल ओवरहॉल करा, सारे पुराने प्रोजेक्ट निकाल दिए जाते हैं, नए पुर्जे रिप्लेस होते हैं, समझी, ओवरहॉलिंग का मतलब क्या है, पुराने पुर्जे निकाल दिए, जो टूटने वाले ये टूट चुके हैं निकाल दी जाए, उसकी जगह नए पुर्जे लगाए जाए, और रंग उड़ गया है मेरे साइकिल का, मेरी मेरी मेरे स्कूटर का, मेरी कार का, हाँ तो नए नए रंग चढ़ जाए, वो नए नए पुर्जे लग जाए, और परमात्मा की कसम हम यहां आते ही अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने कर्मों की ओवरहॉलिंग करने, नहीं करने नहीं, करवाने के लिए। और मैं आपका मैकेनिक बैठा हूं, वो मैकेनिक होते हैं ऑटोमोबाइल को ठीक करने के लिए, मैं आपका मैकेनिक हूं आपके इंटेलेक्ट माइंड और फिजिकल बॉडी की एक्टिविटीज को ठीक करने के लिए, कम ऑन विदाउट एनी हेसिटेशन, ताकि हमें धर्मस्थान का ठोस लाभ हो जाए।
हमारे जितने भी अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं चली जाए और बुद्धि में शुभ्यता, मन में शुभ्यता और क्रियाओं में शुभ्यता, फिर देखो मजा कितना आता, कितने प्रभु प्रसन्न होते हैं। मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, बस ऐसे भोले भाले शंकर ना बने रहो, बल्कि चुस्त बनिए, होशियार बनिए कि मैं धर्मस्थान में जा रहा हूं, मैंने बदल जाना है, मैंने बिल्कुल एक नोबल मैन बन जाना है। नहीं नहीं, नोबल्टी से उठकर आगे चलो, मैंने एक देव पुरुष बन जाना है, मैंने एक सुपरमैन बन जाना है। ये जब इंसान ने अपनी नेगेटिव क्वालिटी निकाली और सुपरमैन बना भगवान की युग, तब ऐसे स्थानों का लाभ, मैं कुर्बान हूं कुर्बान, तब ऐसे स्थान की गिनिंग सॉलिड गिनिंग वाला मिट्टी से ऐसा बन जाए मेरी बेटी, ऐसा हो जा, तभी हम लाभ, हमने बड़ा लाभ लिया गीतड़ी से और लाभ उठा रही है और आपको भी बार बार स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही है कि आप ऐसे अपनाते जाओ, जीवन में ढालते जाओ। अब आप चलवा रहे हो क्या, प्रभु की प्रेरणा से तो आप चला रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न अपने इष्टदेव महाराज जी के लाजवाब उत्तर। जी सरकार, कितने बीच में प्रश्न किए अर्जुन, हमारे लिए बड़े जरूरी हैं, बहुत ही जरूरी हैं। चलिए छठे अध्याय में चलो, ये प्रश्न कितने कमाल का है। मेरे मालिक, आज्ञा हो तो मैं को प्रश्न करूं, जरूर। अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर का एक शब्द बोलो, केवल एक शब्द। हमारे हिंदू धर्म में इसे क्या कहती है, ये जो आजकल चल रहा है ये क्या हो रहा है, प्रश्नोत्तरी। नहीं मेरी बेटी, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आप तो चगले मारी जा रही हो ना, भी शायद कोई शब्द ठीक ही निकल आएगा। वो नहीं मेरे बच्चों, नहीं, हिंदू धर्म के अनुसार क्या बोलते हैं, शंका समाधान, शंका, ये शब्द है मां दी कमली दी। क्या बोलते हैं बच्चे, मुंह से तो निकालो, शंका समाधान। हमारे धर्म के अनुसार ये शब्द है, मारी जाने चगले कोई ना कोई तो लगेगा ना पत्थर, ठीक। अपना जो धर्म कहते हैं ये शंका, अर्जुन के मन में शंका, और कौन करे समाधान, भगवान जी मुंह में पानी ना जाके, ये शंका समाधान हो रही है मेरे सजनों। अच्छा, शंका अर्जुन के मन में, हाँ, और उधर समाधान कर रहे हैं भगवान जी। चलिए एक शंका की, भगवान जी आप तो जी समता का योग सिखा रही है कि मन बिल्कुल टिक जाता है और मन में संकल्प विकल्प नहीं आते, हाँ, और मन सेंट्रलाइज यानी केंद्रीभूत हो जाता। सुनो मेरी देवियों, भूल जाओ अपने घर बार को और इर्द गिर्द को थोड़ी देर के लिए, और पूर्ण रूप में आप भी एकाग्र हो जाइएगा। ये जो समता का आपने मुझे सिखाया है योग, मेरे दिल को भगवान भाया है, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा आपका उपदेश। अर्जुन कह रहे, मैं तो से क्या कर रहा हूं, मैं तो रिट्रांसलेट कर रहा हूं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे प्रभु, ये समता का जो आपने सिखाया, और फिर आपने कहा कि मन जब टिक जाता है और आपके स्वरूप में तलीन हो जाता है, ये आपने स्पष्ट कह दिया प्रभु। हाँ हाँ अर्जुन, ये तो सिद्धांत रूप में मैंने तुम्हें कहा, काल उसके वश में तो मन, मैंने तलीन जात में परमात्मा, तब मन भगवान की जात में तलीन हो जाता है। When mind centralized, then sublimated in Lord Krishna. अच्छा, तो प्रभु ये तो मैं मानता हूं, तुझे शक है क्या? प्रभु शक नहीं, मैं मानता हूं, अर्जुन ने कहा, मैं मानता हूं, लेकिन एक बड़ी अड़चन खड़ी होगी ना। हाँ, मन में समता आए कैसे, क्यों, ये चंचल है, जिद्दी है दिल, न काबू में आए किसी हाल में, कमाल कर दिया अर्जुन ने, गजब डा दिया दियो, बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया वाले लाभ उठा रहे, न काबू में आए किसी हाल में, क्यों, जैसे हवा बंद होती नहीं, कोई मुट्ठी में अपनी हवा बंद करके दिखाए, नेक्स्ट थिंग पॉसिबल, मुट्ठी में हवा कैसे बंद हो सकती है। इस तरह प्रभु ये तो हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म है, ये कैसे संभव होगा मेरे लॉर्ड कृष्ण।
कि मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा। इसलिए मेरे मन में निराशा आ रही है, अब मैं क्या करूं? ये तो चंचल है, जिद्दी है, मुंह जोर दिल, अब मैं इसे कैसे टिकाऊं? आहा, ये जिद्दी है, मुंह जोर है, तो मैं तो ये समझे बैठा हूं कि ये जो है टिकाए नहीं टिकेगा। अर्जुन और कौन थे ये? आप निराशा में न जाओ, तो पर क्या बनेगा? मैं तरीका बताता हूं। ओए होए, बड़े कमाल का अर्जुन प्रश्न, सारी दुनिया में ये प्रश्न और उत्तर बड़ा ही पॉपुलर हो चुका जी। जहां जहां मनुष्य जाती है वहां पर मनोविज्ञान तो है, वहां पर साइकोलॉजी है नहीं बच्चे, साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी को बोलते बेटे साइंस ऑफ माइंड। जहां जहां मनुष्य जाती है, और आप जैसे विचारवान हैं, आप जैसे थिंकर और फिलोसफर जहां भी हैं, हां उनके लिए मनोविज्ञान भी है, हाँ है, जरूर है। तो जहां मनोविज्ञान है वहां ये प्रश्न भी बड़ा मशहूर है, हाउ टू कर्व द माइंड, हाउ टू कंट्रोल द माइंड परमानेंटली, तो वहां यही जवाब आता है जो आपको भगवान ने दिया। भगवान ने प्यार किया कि यानी तो फिर जो जो अब बताया जा रहा धार्मिकता, तो बिल्कुल कागजों में रह जाएगी, पन्नों में रह जाएगी, ग्रंथों में रह जाएगी, शास्त्रों में रह जाएगी, है चूंकि अपनानी तो मन नहीं है, जीवन में तो ढालनी मन नहीं गए, और मन वेवरिंग ऑलवेज टॉसिंग, एक आवारा कुत्ते की तरह धक्के खाता रहेगा मन, तो कौन अपनाएगा इसको? जैसे आपने पढ़ना और आप ही चक्कर काटते रहे और कॉलेज में जाए ही नहीं, घर से आप चल जाते हैं, रास्ते में सिनेमा हॉल है वहां बैठ गए, 3 घंटे वहां गुजर रहे, 1 घंटा इधर उधर चक्कर काटते रहे, मेरी बेटियों को तंग करते रहे, तो फिर डिग्री कौन लेगा? जब तक कि आप स्टूडेंट बन करके मेहनत नहीं करेंगे। हमारा देश कहता है, बताऊं आपको, हमारे व्यास जी ने क्या कहा, सुखार्थी ना कुता विद्या, विद्यार्थी ना कुता सुखम। आए 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 आए, अर्थ को बताएगा इसके अर्थ बताएगा बाबा, तू बता दे, ये सिद्धांत है, सुखार्थी ना कुता विद्या, जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं मिलेगी, और जो विद्या चाहता है उसे सुख नहीं मिलेगा। सुख्यार्थी ना कुता विद्या, विद्यार्थी ना कुता सुखम, हाँ, कितने साधारण शब्द है। अगर तो जनाब सुख चाहती है, विद्या आपसे भाग जाएगी। विद्या कौन है? हमारी सरस्वती है, विद्या की जो देवी है सरस्वती है, वो कभी नहीं पास आएगी। और अगर कुर्बानी के पुत्र बने होंगे तो मां बन के आपको गोद में ले लेगी सरस्वती, गॉडिस ऑफ नॉलेज। सरस्वती इज इक्वल टू गॉडिस ऑफ नॉलेज। वो तो तब आती जब हम कुर्बानी करें, रात को जागे, पढ़े, खून पसीना एक करें, यारों दोस्तों से हटे, अपने बॉयफ्रेंड और लेडी फ्रेंडों से अपने मन को विड्रॉ कर लें, और अपना माइंड डिपॉजिट करे अपनी किताबों में, गुम हो जाए, देन एंड देन इज पॉसिबल दैट वी विल बिकम इंटेलिजेंट एंड शॉर्प ब्रेन। तभी तो विद्या की देवी प्रसन्न होती है ना, गदगद होती है। बड़ा अच्छा व्यास जी ने कहा, सुखार्थी ना कुता विद्या तथा विद्यार्थी ना कुता सुखम। अब भगवान कहते हैं, मैं तरीका बताता हूं तुम्हें, कुर्बानी करोगे? प्रभु जरूर कुर्बानी करूंगा, मैं तो कल्याण चाहता हूं। तो लीजिए ये भगवान का जवाब, अर्जुन की शंका और भगवान का क्या समाधान। अर्जुन शंका करे कि आप तो मुझे योग सिखा रहे हैं समता का, यानी मन में विवरिंग ना हो, और समता वाला समता पिए ही योग कमा सकेगा, और आपके वचनों को चरितार्थ समता पिए करेगा ना, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, तो मैं अपने मन को कैसे टिकाऊं प्रभु? श्री भगवान वाच, क्या गजब का समाधान है, क्या लाजवाब उत्तर है। अभ्यासेन तु कौते, हवाओं और फिजाओं ने भगवान के इस लाजवाब उत्तर को चारों ओर फैला दिया। जहां भी जिज्ञासु हैं, कल्याणकामी जीव हैं, फिलॉसफर और थिंकर हैं, बहुत लाभ उठा रहे हैं। हम भी क्यों ना पूरा लाभ उठाएं? गीता तो हमारे देश की है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन
चग्रियाते। भगवान जी बोले, है अभ्यास और वैराग में ये कमाल, दिला जाए काबू में कुंती केला। या बच्चा बच्चा जान गया, आप जान भी गए हैं, मार भी गए हैं, और जरा मन में रखने की कोशिश करें। भगवान ने इसका जवाब क्या दिया, अभ्यास और वैराग। अभ्यास और वैराग में इतनी शक्ति है कि मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है, मन पर हम निग्रह कर लेते हैं, मन पर हम ओवर पावर आ जाते हैं, हम बन जाते हैं कलंदर और मन बन जाता है बंदर। और कहावत अपने देश में मशहूर है, बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने, जैसे वो बेटा जमूरा जमूरा नाचता है उसके सामने, जैसे वो नचाएगा वो नाचेगा। अब प्रश्न तो उत्तर तो मिल गया लेकिन अधूरा है। अभ्यास क्या अभ्यास करना है? वैसे अभ्यासकार तो आप जानती हैं, किसी भी धार्मिक क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लगातार करने का नाम अभ्यास है। किसी भी धार्मिक क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, अगर आपने श्रद्धा प्रेम नहीं तो आप दो दिन अभ्यास करेंगे छोड़ देंगे, आप ऊब जाएंगे। इसलिए आपके मेन गेट के बाहर लिखा हुआ है श्रद्धावान लभते ज्ञान। अगर श्रद्धालु, अगर आपकी श्रद्धा परमानेंट है, यानी श्रद्धा शाश्वत है और सफाई है, तभी विद्या प्रसन्न हो जाएगी, विद्या के देवी प्रसन्न हो जाती। तो मेरे महाराज जी कह रहे हैं, किसी भी धार्मिक क्रिया को लगातार एक लंबे समय तक करने का नाम अभ्यास है। वैसे इंग्लिश में इतना ही मिलता है, रिपीटेड एक्टिविटीज इज प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्टिविटीज इज इक्वल टू प्रैक्टिस। हमारे देश में जरा विस्तार पूर्वक आ गया, किसी भी धार्मिक क्रिया को लगातार श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करने का नाम अभ्यास है। ये चुटकी मार के बात नहीं बननी, क्योंकि लगातार पहले हमने क्या किया है, पहले हमने बैड एक्टिविटीज ली है, अनुचित कार्यों को लगातार किया है, अब हमारे होश ठिकाने आए हैं, अब हमारे अच्छे दिन आगे मेरी देगी, और अब पता लग गया शुभ क्या है और शुभ क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, हित मेरा किस में अहित मेरा किस में है, तो अब मेरे लिए शुभ क्या है अशुभ, तो अब हमें तमीजी करनी आ गई, तो अब हम क्या चाहते हैं, शुभ को अपना बनाना चाहते हैं, अशुभ को निकालना चाहते, तो पहले अशुभ निकलेगा एंड इट विल टेक टाइम, और टाइम के लिए इट विल टेक टाइम। हाँ तो समय लगेगा ना, तो समय लगाने के लिए क्या गुण चाहिए, अभ्यास नहीं। समय लगाने के लिए क्या गुण चाहिए, श्रद्धा। मारो गप्पा मारो शायद कोई निकली आए ठीक। लगातार अभ्यास करने के लिए क्या गुण चाहिए, बच्चे सहनशीलता। पागल बन जाती हैं आप, हालांकि आज मंगलवार नहीं है बुधवार है बेटे। पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, घबरा जाओगे मेरे से नहीं होता, घबरा गए क्योंकि आप में उसकी कमी है सहनशीलता की। किसी भी बात को लगातार करना चाहती हो तो अंदर सहनशीलता चाहिए, सहनशीलता नहीं तो कह नहीं। तो सहनशीलता कब आती है, अब जवाब लो, जब श्रद्धा अंदर टिकी हुई हो। मक्खन कब निकलेगा, जब मथनी दही के अंदर बिलोई जा रही हो, तभी होगा ना। श्रद्धा टिकी होगी तभी पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ फॉरिस तब रहेगी। यानी सहनशीलता से ही आप लगातार अभ्यास करेंगे। कई व्यक्ति छोड़ जाते हैं, क्यों, उनमें सहनशीलता ही नहीं। सहनशीलता किसके लिए, जो हमने नहीं करना था वो करते रहे तो हमारी आदत बन गई, आदत से हमारे गंदे कर्म हो गए, आदत का नाम ही चरित्र है, हमारे चरित्र भ्रष्ट हो गया। अब उसको छोड़ना बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी सहनशीलता चाहिए, इसी में देर ले जाती तो ये होती है किसी किसी के पास। इसलिए भगवान कहते हैं हजारों में होगा कोई को जिसको फिक्र असूल कमाल,
हजारों में देवी मेरे सजनों में कोई कोई होगा जो इतनी सहनशीलता से काम ले, या मेरे भगवान ने तोहफे के रूप में प्रेम के प्रेम उपहार के रूप में सहनशीलता प्रदान की हो। तो आप देखते रहे ना, बड़ी सहनशीलता चाहिए। कोई नहीं, बात मनुआ, आखिर हो जाएगा, बन जाएगा। आहा, सहनशीलता केवल उसी जिगर में, अंतःकरण में, मन में रहती है जिसके अंदर ये बात पक्की हो गई है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, जिसके अंदर ये बात पक्की हो गई, आज ना ते कल सही। हाय कितना अच्छा महापुरुष कह गए, आज ना ते। मनुआ घबराता क्यों है, तू अपना अभ्यास कर, कामयाबी आज नहीं तो कल सही, कल आ जाए। वो आज ना तो कल सही, डू योर वर्क। हाय तू अपने कर्तव्य तो कर, आज ना ते। ऐसो की कभी भी हिम्मत नहीं टूटेगी, ऐसो की सहनशीलता बनी रहेगी। आज ना ते, आज अगर कामयाबी नहीं मिली ना सही, लेट इट बी टुमारो। हाय 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 हाय, कितने गृहस्थों का ये पाठ, आज ना तो कल सही। यही जो दुकानदारों ने फायदा उठा रखा स्वार्थी कहीं के, आज नकद कल उधार। तो वो गाहक आता है, अच्छा मैं कल आऊंगा, और बड़ी लिस्ट बना के देगी ये चीजें चाहिए। तो जब ये चीजें चाहिए लिस्ट लेके आता है तो पढ़ता है, आज नकद, अच्छा मैं कल आऊंगा। वो मां तो पुत्र फिर कल आया, आज नकद। वो मैं मर गया तो कल, आज तो कल तो आनी पड़ी। वो जब भी आता वो अगे वही पढ़ता, आज नकद कल उधार, तो कल कब आएगा। इसी तरह हमारी हमारी श्रद्धा और हमारी जो है सहनशीलता टूटेगी नहीं, क्या आज ना ते कल से। आकर राही ने अपनी मंजिल पर पहुंचना, आज ना ते कल से ही। इसलिए तो हमारे यहां बचपन से हम पढ़ते और सुनते आ रहे गए, कौन जीत गया, हा कछुआ हार गया, कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। हाले खरगोश इतनी चौकड़ियां भरता, वो किस लिए, स्टडी था, स्टडी मीन्स विदाउट ब्रेक कंटिन्यूअसली लगातार चलता रहा माँ का पुत्र, और वो पहले चौकड़ियां भरता रहा, थक गया सो गया। भले ही हम धीरे धीरे अभ्यास करें लेकिन करें लगातार, सारी बात लगातार की, स्टडी मीन्स विदाउट ब्रेक, लगातार करने का, निरंतर का स्टडी का अर्थ होता है निरंतर। भले ही मंद मंद हम चले लेकिन चले निरंतर, गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। सारी बात तो निरंतर की है। हा लगे रहे हम तो, लेकिन लगेगा वही जिसमें सहनशीलता। तो भगवान जी हमारे इष्ट देव जी क्या गजब का तरीका बता रहे हैं, बिगड़े हुए मन को कौन अपने अधीन कर लेगा जो अभ्यास कर रहा है। अब अभ्यास के मेरे हिंदुस्तान में धार्मिक व्यक्तियों ने बड़े अर्थ लगाए, पर मैं आपको तो एक ही बात बताता हूं, लगातार अभ्यास कीजिए कि मेरा मन भगवान के चिंतन में लगा रहा है। मैं इसी को अभ्यास, बहुत कल्याणकारी अभ्यास समझता हूं, न केवल समझता हूं, मुझे तो मेरे मालिक ने यही अनुभव करवाया, इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में यही कहा करता हूं, अनुरोध पूर्वक मैं यही कहता हूं, अपनी वृत्ति को टिकाए रखू कि मेरे मालिक में टिकी रहा, मैं इर्द गिर्द न भटकू, हेयर देयर एवरीवेयर, मेरा फजूल चिंता न रहे। ये अभ्यास हमारे गीता का बड़े कमाल का है। बाबा कौन सा सदाओ मेरा पेहम जिसे ध्यान है, अगर चाहे तू खुदा का वसाल रख उनकी मोहब्बत का दिल में। क्या दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस, वेरी यूजफुल, वेरी फ्रूटफुल, एंड गो ऑन प्रैक्टाइजिंग लाइक एनीथिंग, गो ऑन प्रैक्टाइजिंग, पूरा विश्वास रख के अपने इसमें लगे रहिएगा कि मैंने यही अभ्यास करना, हर समय मेरा चिंतन तो होना चाहिए, चिंतन तो होगा जब तक कि आपको मेरे प्रभु के जी भर के दीदार नहीं हो जाता, जी भर के दर्शन निकाल लेते आप समाधि में, तब तक कुछ ना कुछ तो सोचोगे, तो भगवान के बारे में क्यों ना सोचें। बाकी जिस समय का काम है वो हम कर गुजरेंगे। क्या मैं हर समय सोचता हूं मैंने जाके गीता का प्रचार करना, मैंने बिल्कुल नहीं सोचता आपकी कसम। जिस समय का काम है मैं आ जाता हूं, भगवान भाव भर देते हैं, मैं प्रकट कर देता हूं, बाकी मैं अपनी क्रियाओं में, जाप में, स्वाध्याय में और रिसर्च में लगा रहता हूं। जिस समय का जो काम है आप भी वही करें, पहले चिंता क्यों करें, भगवान के क्यों नहीं चिंतन करें। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जब भगवान का चिंतन होगा, हाँ भगवान का लगातार चिंतन, ये अभ्यास करेंगे, अभ्यास का पुत्र पैदा हो जाएगा जिसे वैराग कहती। लगातार शुभ कार्य करने से
वैराग्य हो जाएगा। क्या मतलब? हमारा मन भगवान की ओर झुकने लग जाएगा और बुराइयों से हट, इसी को वैराग्य कहते जी। क्या मतलब? किनसे कितनी बुराइयों से हट जाना, भलाइयों में लग जाना, अशुभ से हट जाना, शुभ में लग जाना, वही वही नेकी में लगे रहना, बदी से हट जाना। अर्थात जो हमारी बैड डिसीजन, बैड थॉट्स और बैड एक्टिविटीज है, उससे मन हट जाएगा, गुड डिसीजन, गुड थॉट्स और गुड एक्टिविटीज में लग जाएगा। इसी वैराग्य कहती थी। जब लगातार वो अभ्यास करेंगे, याद रखना वैराग का मतलब ही क्या है, जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज है उसे हट जाना और गुड क्वालिटीज में या पॉजिटिव क्वालिटीज में लग जाना। ये हमारे हिंदू धर्म और गीता धर्म के अनुसार वैराग कहते हैं। वैराग का मतलब घर बार छोड़ जाने का नाम नहीं होता, वो भी एक अर्थ है। जब पिछले जन्म के बहुत तेज संस्कार जागे हो और हम बड़े योग भ्रष्ट हो, तो वो भी एक अर्थ है। सारी गीता में एक बार भगवान ने कहा ना, कभी दिल का आजाद घर वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, केवल एक बार। बड़े प्रसन्न होते मेरे प्रभु, जो इस घोर कलयुग में जबकि सारी जनता लगी हुई नेगेटिव क्वालिटीज में, सब जनता नेगेटिव काम में, क्रोध में, मोह में, लोग सारे देख लो, 99% नर नारी लगे हुए नहीं किसमें, गंदी वृत्तियों में है कि नहीं है, है कि नहीं है, सब नेगेटिव क्वालिटीज में। और आप उनमें थोड़े से आटे में नमक, ये गुड क्वालिटीज में लगे हुए हैं, क्यों ना ये दुनिया बनाने वाला गदगद हो जाए। कितने मेरे प्रभु जी प्रसन्न हो जाते हैं जो ये लग जाती है। तो मेरे प्रभु बड़ी शक्ति देती हैं, एक बार सच्चे मन से दिखा दो प्रभु, हम तो आपका अभ्यास करते करते ही शरीर छोड़ जाएंगे। क्या अभ्यास करते करते? जो उन्होंने कहा, सदाओ मेरा पेहम तो मिलना मेरा उसको आता, एक बार ये करके दिखा दो, एक बार इस जीवन में मेरी तरह कसमें खा लो कि ये मैंने भगवान को करके दिखा देना। चलते पीते उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े कार्य करते हुए, हाँ हमारी मधुर स्मृति भगवान, आहा हा हा, इसमें क्या लगता है बच्ची, लगन होनी चाहिए कि मैंने कल्याण करना है, तो मधुर स्मृति अपने आप बन जाएगी। मैंने उन चीजों को जैसे मैंने समझाया था, मेरे गुरुदेव ने कृपा कर दी थी, क्या मैंने उनका चिंता नहीं करना जो जाने वाली चीज नहीं है, जो मरने वाली चीज नहीं है, हम उनका चिंतन करेंगे जो इनको बनाने वाला, इनको पालने वाला। इतनी बात समझा दो, जो इस सारे प्राणी पदार्थों को पालने वाला और बनाने वाला है, मैं उसका चिंतन करूंगा, मैं उसका चिंतन नहीं करूंगा जो वस्तुएं जाने वाली है, ठहरने वाली नहीं। व्हाट यू थिंक ओवर दैट, ये समझाओ अपने आप को, अपने मन को समझाना है ना, मन में चिंता तो जरूर कर, उनका नहीं जो पेरिशेबल है, हम करेंगे उनका जो इम्पेरिशेबल है, हाय उसमें हम सबका कल्याण। वह मन को समझ आ जाती है, फिर सदा ही जैसे वो गंदा अभ्यास बना हुआ अशुभ अभ्यास, अब ये शुभ अभ्यास बन जाएगा। और भगवान ने एक नहीं अनेक बार गीता जी वचन दे रखे हैं, क्या 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 क्या, क्या दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात का मतलब क्या होता है, मुझी से मुक्ति अपनी पाते, आओ हम इसके अधिकारी बन जाए। इससे जब हम लगातार ऐसा अभ्यास करेंगे विराट पैदा हो जाएगा। क्या मतलब? गुड की ओर मन लग जाएगा, बैड से मन हटते हैं, अर्थात शुभ की ओर मन लग जाएगा और शुभ से मन उठते हैं, इसी को ही विराट कहती है। यह विराट वो जो ले गया राम जी आपका गिफ्ट, वो इसी बात तजो और आगे क्या करो, भजो। गंदी वृत्ति उसको तज दिया, जब दिन अच्छे आ जाते भजो, भगवान में मन भज जाएगा, दौड़ेगा, भजन करेगा। हर दो शब्दों में कितनी ताकत है, दो शब्दों में तो सारा अभ्यास आ जाता है। तजो भजो, पहले पता ही नहीं था कि ये तजने योग है, जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं सिर सड़ी, ये तो तजने योग है, मैं इसे अपना रही हूं। अब समझ आई है भगवान ने कृपा की कि इनको तो मैंने छोड़ना है, ये तो दुखदाई है, ये तो मेरा लोक परलोक दोनों बिगाड़ के रख देती है ना, ये मैंने रखनी नहीं। अब समझ आई, अब हम वो रख रहे हैं जो भगवान जी बता रहे हैं, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाता है, इसको वैराग्य कहते हैं। ये कब पैदा होगा? मेरी जेब में थोड़ा मैं नहीं दे सकता आपको, भगवान कहते हैं वो खुद को उभारे, वो खुद को, मैं तो तरीके बता सकता हूं, अपना अभ्यास बता सकता हूं, अपना अनुभव आपकी झोली में रख सकता हूं, लेकिन करेंगे तो आप, मैं तो आपको कच्चा राशन दे सकता हूं,
मन की रसोई में पकाएंगे तो आप क्यों नहीं पकाइए। कितना गजब का जवाब है। अभ्यास और वैराग में, वैराग तो अपने आप पैदा होगा, सारी बात तो अभ्यास की है। है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के। एक बार ऐसा इस जीवन में कर लो, एक बार कर ले मेरी बच्चे। हमें इतना अच्छा गीता जी का सत्संग मिला हुआ है, हाय बहुत कमाल का सत्संग और बहुत कमाल के मेरे भगवान के उपदेश क्यों गीता जी में रह जाए। जैसे मेरे अंदर से आवाज आती क्यों गीता में रहे, पन्नों में क्यों रहे, स्याही में क्यों रहे, श्लोकों में क्यों रहे। मेरे अंदर जैसे माँ को हम क्या करते, माँ इतनी मीठी चीज बनाई तेरी पतीले में क्यों रह जाए, हमें क्यों नहीं देती। अच्छा अच्छा ले ले, इस तरह मन के साथ जिद करो क्यों गीता जी में ये ज्ञान रह जाए। क्या गीता में ज्ञान रखने के लिए भगवान ने ज्ञान दिया? नहीं नहीं, भगवान ने ज्ञान दिया जो है मेरी तालीम पर कातर, जो मेरी शिक्षा को अपने जीवन में ढाले जा रहे हैं, तो फिर हमारे लिए है ना। आए खाए खाए खाए, पतीला साधन है क्या बच्चों को हलवा देने के लिए? वह गीता साधन है हमारे जैसे जिज्ञासियों को ज्ञान देने के लिए। समझे समझी, ऐसा सत्संग गीता जी का क्यों ना मैं श्रोता वक्ता दोनों लाभ उठा जाए। आहा, आए खाए उठाइए लाभ, मेरी शुभ भावना सदा आपके साथ। उठाइए अभ्यास कीजिए, जैसे लगातार अभ्यास करना चाहिए। बुरा बनाओ भला बनाओ आप ऐसे नहीं कर रहे हैं बेटे, जैसा होना चाहिए आप ऐसे नहीं कर रहे हैं। मां दी कमली थी कहूं, सियाणी थी कहूं, लगातार एक जोश के साथ अभ्यास करो। अंदर भगवान ने शर्त लगा दी है, अभ्यास ऐसा करो कि शरीर छोड़ने से पहले ये गंदी वृत्तियां बाहर हो जाए। न छोड़ा अभी जिसने, देखो आकाशवाणी हो रही है मगर कर लिए जेर कैसे वस, कैसे गंदा संसार बनता जा रहा है। बहुत मन मेरा खट्टा होता है, चिल्ला उठता है, क्या जिंदगी बन गई। चलो बम रखो हजारों को मार दो, ये कि जीवन है। बम तो दुश्मनों के लिए, अब बम अपने देश में, चलो कहीं भी हो तो जिंदगी कुछ हो ही नहीं। चलो आप शाम से जा रहे तब टक्कर लग गई, सारे मर गए, चल खत्म। ये मरुति कार थोड़े दिन हुए क्या, वो ट्रक के अंदर ही चली गई, सारे मर गए पुत्र सारे। ए, मैंने बकवास की, नहीं बस के अंदर चली गई है। वन टू ऑल जगाधरी में दुर्घटना, सारे के सारे 6-7 कार में सारे चले गए। तो मौत कितनी कल कह रही है मार रही है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, जहां मर्जी बम रख दो, शाबाश। अभी ये कोई लोकल अखबार बांट रही थी तो वहां लिखा हुआ था, लाहौर में भी इसी तरह किसी दुर्घटना की है, पता जर्मन से या किससे कोई आ रहा था तो उन्होंने वो बम रख के मार दी। चल ये तो जिंदगी कुछ भी ना हुई, ये तो जीवन मेरे पुत्र कुछ भी ना हुआ, एक जीवन तो मजाक बन के रह गया। जहां मर्जी किसी को उड़ा दो, जैसे मेरे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को उड़ा दिए, कार में बैठ के कोई प्रोग्राम करने जा रही है और वही खत्म। और ये रिमोट सिस्टम और गंदा बन गया कि कहीं रख दो और यहां से बटन दबा के फर्र करके चला दो। रिमोट बना था किसी गुड यूज के लिए, और देखो नलायक इंसान कैसे इसका बैड यूज करता। रिमोट तो आपके और भले काम के लिए था, और देखिए इसका यूज कैसे हो रहा है, कितना बैड यूज। दूर खड़े होकर मार दो, या टाइमिंग बम, वो टाइमिंग बम मतलब कुछ और था, और ये आज के शैतान ने कितना दुरुपयोग किया कि 1 बजे ये निकले तो वो सुई चलती जाएगी 1 बजे जाकर के कड़क बजेगी। ये कितना गंदा गलत तरीका, ये जिंदगी है, ये जीवन है जो मां पिट पिट के अंदर पेट में 9 महीने रखा जिस शरीर को, और पिताजी ने कितनी मुश्किल से कमाई करके बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया और इतना बुच्चर बनाया, और कितनी मुश्किल से शादी पर 1000 रुपया लगा, उसको आधे मिनट में उड़ा दो बम्बू से। हाय हाय हाय, ये जो मुझे अखबार में दिखाई गई है लाशें, ये कैंट की, बस इंसान यही है। टांग उड़ गई तो हाथ उड़ गया तो सिर उड़ गया, ये क्या आधा हिस्सा कहीं है आधा हिस्सा कहीं है। वो मां मर गई पाल पाल के इस बात के लिए, तो क्यों ना हम भगवान का अभ्यास कर कुछ कर जाए। संसार में फिर लौट के आने की दिल करता है, नर्क बना दिया ना इस संसार को अनेकों ने,
करते हैं आपका दिल की इस संसार में आए, या काम का बोलबाला, क्रोध का बोलबाला, लोभ का बोलबाला, अहंकार का बोलबाला, बम्बों का बोलबाला, लड़ाई झगड़े का बोलबाला, कचहरियों का बोलबाला, ऐसे संसार में कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसी मन में मेरी तरह वैराग पैदा कर लो, इस संसार में लौट के नहीं आएंगे। तो एक ही तरीका है जो मेरे भगवान कह रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर, इसका 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 फल क्या होगा? वो कर्मों के बंधन से वो आता। यही एक तरीका मैंने देखा जी, और आप भी अपना लो, वरना तो फिर आना पड़ेगा। अगर हम अभ्यास नहीं करते लगातार, अपने मन को अपने अधीन नहीं करते, तो फिर कोई गर्व तैयार को कामना लेके जाएंगे, राग द्वेष लेके जाएंगे, तो फिर तो भगवान ने कहा कोई ऐरा गहरा तू गहरा नहीं कह रहा, लगाई थी लो जिससे हाथे लगो। मैं तो आपको नेक राय यही दूंगा, शरीर छोड़ने से पहले को ठोस रूप में भगवान का ज्ञान अपने अंदर रख लो। नर्क बन के रह गया जी ये सारा संसार और सारा समाज, बिल्कुल नर्क बन के रह गया। बैत बैत में लड़ाई झगड़े, कुछ छुरे मार देते हैं, ये क्या कमाल इंसान तो ना हुआ, कोई मक्की के दाने हो गए। बात बात में अंदर छुरे, वाह मेरे एक बच्चा दिखा रहा था, बाबा ये क्या है? बाबा ये तो एक इतना सा डंडा है। वो नहीं है बाबा, वो बात ही बात उसे बीच में से फर्र करके छुरा निकाल दिया। आजकल नजर आने में डंडे अंदर छुरा है, क्यों? जहां कोई जरूरत पड़ जाए, हम हाथ में रखते हैं, जहां कोई जरूरत पड़ गई तो इसको बटन को दबाया, फर्र करके यूं इतना बड़ा ताकुन अंदर दे दिया। ये जिंदगी आजकल, आओ अपने भगवान का कहना मानो और अपना कल्याण कर लो। और ये गीता के सत्संग कोई मेरा सत्संग है नहीं, या किसी महात्मा का सत्संग नहीं, या ब्रह्मा विष्णु में एक है नहीं, ये नारायण के ज्ञान का सत्संग है। किसी महात्मा का सत्संग नहीं, संत का सत्संग नहीं, जे कसम मैं खा के कह रहा हूं, ये तो महाराज जी के ज्ञान का सत्संग, नारायण के ज्ञान का सत्संग है, जिन्होंने शुरू में जीवन के जीव के कल्याण के लिए क्या अपने में से प्रकट किया था, ये तो उनका सत्संग है। दूसरे शब्दों में ये तो नारायण के ज्ञान का सत्संग है, लाभ उठा लो। ओ मेरी बच्ची, आओ ना जरा अपने मन को समझाओ, और शरीर छोड़ने से पहले भगवान के इस ज्ञान का लाभ उठाओ, आ जाओ मेरे साथ। दे की बात निराली, मैं मां सत्संग दीदे, देह की बात निराली, मैं मां सत्संग दी ओए, जाओ सत्संग अंदर मोती हीरे, हाय वो सत्संग अंदर मोती हीरे। ये आज की देखो विवेक और वैराग, ये अभ्यास और वैराग कितने कमाल के मोती, जो संसार के मोती जिन मोतियों को खरीद नहीं सकते। वो सत्संग अंदर मोती हीरे, मिल देने पर धीरे धीरे, और जिसने खोज निकाली मैं मां सत्संग दी भाई, जिसने जाओ की बात निराली, मैं मां सत्संग दी भाई, देखी बात निराली, देखी बात निराली, मैं मां सत्संग दी, बड़े प्रेम से सत्संग अंदर मिलकर आवो है, जीवन का कुछ लाभ उठावो, और सत्संग अंदर मिलके आवो, जीवन का कुछ लाभ उठावो, अंत बजे ना ताली मैं मां सत्संग दी कहीं अंत, समझिए ब्रह्मा भाई, एक जितना माल पकौड़े तल, समझे? आओ उस सत्संग में मिलजुल के और आके लाभ उठा लो, वरना आखिर में लोग तारिया में लखा रुपया बड़वा जोड़ के जा रहे हैं,
इतने धिया पुत्र से इतनी जो है वो दोस्ते पोते बना के गया देर फिटे मुंह तेरा की लेके जा रही है यही कोई दान का जंदा पुल का आखिर में लोग ताड़ियां मारते लानत लानत देते हैं। तो वो महापुरुषों में कहेगी कुछ कर घिन नेक कमाई नहीं तो अंत बजेगी अर्थात लानते दुनिया मारेगी सारा छोड़ के जा रही है वो बैंक भर के जा रहे हैं तेरे साथ कुछ गया जो खा जाएगा या न दे जाएगा वो छाती पे धर के ना ले जाए सुना मेरी धीये जो खा जाएगा या न दे जाएगा वो छाती पे धर के ना ले जाएगा हाय वो सत्संग अंदर मिल के आओ तो जीवन का कुछ लाभ उठाओ अंत बजे ना तालियो मैं सत्संग दियो देखी बात निराली मैं मां सत्संग दी असी देखी बात निराली मैं मां सत्संग दी सत्संग उत्तम तीरथ भाई है सत्संग उत्तम तीरथ भाई कर दे विरले नेक कमाई हाय हाय सत्संग उत्तम तीरथ भाई ओए होए कर दे विरले नेक कमाई भाग ही न रहे खाली मैं मां सत्संग दी भाई भाग ही हाय 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 ओए भाग ही न रहे खाली मैं मां सत्संग दी असी देखी देखी बात निराली मैं मां सत्संग दी जाओ 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 असी देखी बात निराली मैं मां सत्संग दी सत्संग उत्तम तीरथ भाई आए हाय कर ले विरदे विरले नेक कमाई भाग ही न रहे खाली मैं मां सत्संग दी हाय अजी भाग ही न रहे खाली मैं मां सत्संग दी असी देखी देखी बहुत निराली ये मैं मां सत्संग दी आह सत्संग अंदर मोती रे मिल देने पर धीरे धीरे जिसने खोज निकाली मैं मां सत्संग दी भाई भाई जिसने खोज निकाली मैं मां सत्संग दी असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी असी देखी बहुत निराली मैं सत्संग दी गीता लाती इनकलाब गीता लाती इनकलाब गीता हमारी सदा नवीन हाय
हार्दिक धन्यवाद सजनों, ओ मेरी देवियों हार्दिक आशीर्वाद। अब अपने शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।